पंजाब केसरी जगबानी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ इस समय हल्का आतमनगर के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलवंत सिंह सिद्धू हैं। कल देखने को मिला बैंस ग्रुप और कड़वल ग्रुप पोस्टरों को लेकर के वहां पे आपस में उनकी झड़प हुई और पुलिस में कंप्लेंट हुई है। मेरे साथ सिद्धू साहब, इनसे बात करते हैं कि उस झड़प को ये किस तरीके से देखते हैं। जी सर, सत श्री अकाल जी। गौतम जी, जी कल का इंसीडेंट हुआ वो जिन्नी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो थोड़ी है, क्योंकि लोकतंत्र के जड़ा है लड़ाई झगड़े का कोई स्थान नहीं है। ये लोग अनसिविलाइज लोग ने, इन्हों नहीं पता भी असं वोटों की लड़ाई लड़न आए हैं, ना कि डांग सकते हैं। उन्होंने आत्मनगर का सारे का माहौल खराब करने का यतन किया, भी दहशत फैल गई है, लोग डरन लग गए हैं भी ये पोलीटिकल लोग किस तरह के कम करते हैं। आम आदमी पार्टी के इन्हों के इस काम लोगों के भरोसा वध्या, तो लोग ये गल कह रहे हैं भी ये अनसभित अनसिविलाइज लोग ने, इन्हों मूँह नहीं लो। अच्छा सिद्धू साहब, ये बताइए कि पहले जो विरोधी आपके यहाँ आरोप लगाते थे कि आम आदमी पार्टी का कोई सीएम का चेहरा नहीं है, सस्पेंस बना हुआ है, अब आम आदमी पार्टी के पार्टी का सीएम का चेहरा भगवंत मान को बना दिया गया है, किस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है, उससे आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? भगवंत मान जी से आने से जो 5% ग्राफ है वो वोटों का आम आदमी पार्टी का ऊपर हो गया है। ये लोग जो रोज़ हम लोगों को ये बात के लिए तंग करते थे कि सीएम का चेहरा लानो, सीएम का चेहरा लानो, ऐसा सीएम का चेहरा केजरीवाल साहब ने दिया है, इनकी सबकी बोलती बंद हो गई है। और मैं इनको अब आपके माध्यम से बोलता हूँ भाई, अपना सीएम का चेहरा लान करो भाई, ये आप देरी मत करो। ये किस तरीके से देखते हो कि जो सीएम चन्नी हैं उनके रिश्तेदारों का ईडी का छापा पड़ा है और कुछ वहाँ पे जो है पैसा भी बरामद हुआ है, तो वो सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, आप किस तरीके से देखते हैं, आपकी पार्टी किस तरीके से देखती है इसको? देखो, आम आदमी पार्टी एक ऑनेस्ट लोगों की पार्टी है, यहाँ करप्शन का कोई भी स्थान नहीं है। मैं जितनी भी कड़े शब्दों से निंदा करता हूँ इनकी कि ये गलत काम है, इतना पैसा किसी के घर में कैसे आ सकता है। और चन्नी जी जो इन्होंने कांग्रेस वालों ने सीएम का चेहरा भी ऐलान रखा था, उनके रिश्तेदार से इतनी बड़ी राशि का पकड़ा जाना, इस बात का प्रमाण है कि ये कितने अच्छे लोग। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये सिद्धू साहब, इनका कहना जिस तरीके से आत्मनगर में दोनों गुटों में झड़प हुई है वो कहीं ना कहीं गलत मैसेज पास कर रही है।